लगता है स्ट्रीट एजेंट मेन स्विच ऑन करना ही भूल गया। हाँ यार, यहाँ अंधेरा है, चल अपनी टॉर्च ऑन कर लेते हैं। कितना अंधेरा है यहाँ। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। अब इतने बड़े घर में स्विच कहाँ मिलेगा यार? ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है, लेट्स फाइंड इट ना। ऐसा
संजना, यहाँ तो कोई नहीं है। रिलैक्स, तेरा वहम होगा, यहाँ कोई नहीं है, तो चल, नहीं तो चल मेरे साथ। रिलैक्स, चल, कुछ नहीं है, बोल रही हूँ ना। यार कितनी आजादी वाली फीलिंग हो रही है ना। आई नो, हॉस्टल के उस डिसिप्लिन ने ना गुलाम बना के रख दिया था। ये मत करो, वो मत करो, आई मीन डा। यार तभी तो ये घर रेंट पे लिया है ना, ताकि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, अब जो चाहे वो करो। रियली यार, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमें इतना बड़ा घर इतने कम रेंट में मिल गया। मैंने सुना है ये घर किसी फेमस साइंटिस्ट का था, वो विक्रम का घर था ये। हाँ, एजेंट बता रहा था कि जब से उसकी डेथ हुई है ना, यहाँ रेंट पे कोई नहीं आया। इमेजिन, वी आर द फर्स्ट वंस एंड द लकी वंस। और हम अपनी आजादी का जश्न हाउस वार्मिंग पार्टी करके सेलिब्रेट करेंगे। यस, वी हैव टू थ्रो वन हाउस वार्मिंग, राइट? कूल। यस। और उस पार्टी में ना हम अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे। हाँ, और हमें कॉलेज के सबसे गुड लुकिंग हैंडसम हंक सिद्धार्थ को भी बुलाना चाहिए, क्यों संजना? तू कभी बाज नहीं आती है ना, यू नेवर स्टॉप। वैसे ना हमें और भी लोगों को बुलाना चाहिए, राइट? जैसे कि सोनिया, राहुल, अजय और आन्या। व्हाट हैपेंड? Oh, I am really sorry. मुझे तो इन लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहिए था, right? आने का मन नहीं था उस दिन आने का, लेकिन मेरे कहने पर वो आई। पता नहीं कैसे उस दिन मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रहा आन्या। What? और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। Do something यार। Easy, please संभाल के। आन्या, हमें कूदना पड़ेगा, हमें नीचे कूदना पड़ेगा। चलो अपनी सीट बेल्ट खोलो। आन्या अपनी सीट बेल्ट खोलो। आन्या हमें कूदना पड़ेगा। कैसे भी करके हमें कूदना पड़ेगा। आन्या अपनी सीट बेल्ट खोलो। संजना मेरी सीट बेल्ट नहीं खुल रही। आन्या मर गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। उसका तो मन भी नहीं था आने का। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मेरी वजह से मरी है वो। Calm down, संजना, तुम सर्वाइवल गिल्ट की शिकार हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच गई और तुमने अपने फ्रेंड की जान नहीं बचाई, और उसकी मौत के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मानती हो, जो कि तुम नहीं हो। इट वॉज द सिचुएशन, और वो एक बस भयानक एक्सीडेंट था, और इसके लिए तुम खुद को ब्लेम करना छोड़ दो संजना। डोंट वरी, आई हेल्प यू ऑन दैट। और फिर रेगुलर काउंसलिंग सेशन से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू प्लीज डोंट वरी। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा यार। ये है क्या? ये टीवी, ये डिवाइस चल नहीं रहा है। ये देखना, ये बल्ब और ये इतने सारे स्विच, आई थिंक ये ना एक साइंटिफिक टीवी है। ये
कुछ वायर्स अजीब नहीं लग रहे? क्या हुआ? मुझे इसमें से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ओ नो, नहीं पूजा, सच में कुछ अजीब सी आवाज आई इसमें से। ओके ओके रिलैक्स, लेट मी सी। ओके कुछ भी तो नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है रिया, इट्स परफेक्टली फाइन। तुम्हें भी ना संजना की तरह वहम हो गया है। ये टीवी, संजना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए ना, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये टीवी कहाँ से आया और ये सब क्या है? वो साइंटिस्ट की लैब में था, वहीं से लेके आए। काम कर रहा है? नहीं, कब से इस खटारों को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, काम ही नहीं कर रहा। एक काम करो, तुम इसे चलाने की कोशिश करो, हम दोनों किचन में जाके पास्ता बनाते हैं, ठीक है? चलो लेट्स गो। रिलैक्स, कुछ नहीं था। संजना पता नहीं, टीवी बंद है, डिवाइस भी बंद है, कोई भी नहीं है वहाँ। नहीं, ये तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। देखो रिलैक्स संजना। संजना रिलैक्स, रूम में चल के रेस्ट करते हैं। ओके कम कम बाबा। लो संजना, ये तुम्हारा फेवरेट कलर, ये लो। पता है संजना, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्यों? संजना सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना आके, क्यों सिद्धार्थ? बिल्कुल। हंसो ना,
मेरे लिए। और वैसे भी हाउस वार्मिंग पार्टी भी देनी है तुम्हें स्पेशल, और प्लान करना है रिया को। अरे खाओ ना, तुम्हारा फेवरेट कलर है येलो। संजना, यही तो मैं पूछ रही हूं, तू यहां क्या कर रही है? योगे, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देती हूं। आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट। हाँ सिद्धार्थ, अरे रिया को भी बोल दो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नहीं बस ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए ड्राइव पे आई थी। आई एम ओके बाबा, ओके बाय। मुझे छोड़ के मत जाओ संजना। संजना मेरा सीट बेल्ट नहीं खुल रहा। संजना मेरी मदद करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा सीट बेल्ट नहीं खुल रहा संजना, प्लीज मेरी मदद करो। संजना मेरा सीट बेल्ट नहीं खुल रहा। तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कल रात कार में अन्याई थी और वो कह रही थी कि उसकी मौत का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से उसकी मौत हुई है, मैंने उसको मारा है। ओके ओके संजना, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, यू टेक केयर।
संजना। डॉक्टर, संजना को हुआ क्या है? पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। देखो सिद्धार्थ, संजना की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अपने गिल्ट की वजह से उसे ये लगने लगा है कि अन्या का घोस्ट उसे दिखाई देने लगा है। मेरी बात मानो तो जल्द से जल्द उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके उन्हें यहाँ बुला लो। लेकिन संजना के पेरेंट्स तो अब्रॉड रहते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं रिया को बोल देता हूँ, वो उनको बुलवा लेगी। गुड। अच्छा, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, उन्हें मंगवा लेना और कल संजना को मैं वापस देखने आऊंगी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। रिलैक्स सिद्धार्थ। पूछा, आई के समय हाउस वार्मिंग पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। संजना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, तुम मेरी वजह से पार्टी कैंसिल मत करो। मैं मेडिसिन ले लूंगी और अपने रूम में रेस्ट कर लूंगी। संजना, तुम्हारे बिना हमारा पार्टी करने का मन नहीं है। राइट। वैसे एक बार तुम ठीक हो जाओ, पार्टी हम बाद में कर लेंगे। आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट। ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो। संजना, तुम आराम करो। सॉरी यार। हाँ, नेक्स्ट टाइम पार्टी पक्का करेंगे, ठीक है? प्लीज डोंट माइंड। बाय। मैंने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि पार्टी कैंसिल है। मेरी संजना के पेरेंट्स से बात तो नहीं हो पाई, पर मैंने उन्हें अर्जेंट मैसेज छुड़वा दिया कि वो जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। Anyways guys, मैं कुछ पीने के लिए जा रही हूँ। You guys want anything? Sure? काश मैं संजना की हेल्प कर पाता। Don't worry, she'll be fine. I know. कौन है? संजना, तुम ठीक हो? राइट संजना, डॉक्टर नैना को फोन लगाओ जल्दी। क्या हुआ तुम्हें संजना? संजना क्या हो गया तुम्हें? अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने संजना को इंजेक्शन दे दिया है, अब आप उसे सोने दीजिए। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। सिद्धार्थ, ये सारी परेशानियां तब से शुरू हुई है जब से हमने इस घर में शिफ्ट किया है। के बाद एक, ये सब जो हो रहा है ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम लोगों को ये घर अभी के अभी खाली कर देना चाहिए।
इतनी जल्दी हम जाएंगे कहाँ? डोंट वरी, मैं टेम्प्रेरी रहने का कोई इंतजाम करता हूँ। मार डाला इसे, जान ले ली इसकी भी। कौन है तुम लोग? संजना, संजना, तुमने अपने दोस्त को मार डाला, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। इसे भी तुमने मारा है, तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी मेरी वजह से मरी है, मुझे भी मेरी वजह से मरी है। देखिए, संजना की रिपोर्ट्स में मेडिकली कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन संजना कोमा में चली गई है और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। शी इज सिंकिंग, आई एम सॉरी, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। पहले पूजा चली गई और अब संजना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। संजना को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उसे मरने नहीं दूंगा। कुछ कुछ समझ में तो आए, आखिर आखिर संजना को हुआ क्या है? मुझे लग रहा है संजना के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें उस टीवी और उससे जुड़ी डिवाइस का कुछ लेना देना है। यू आर राइट रिया, जो तुमने मुझे बताया था उससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस टीवी की वजह से हो रहा है। चलो मेरे साथ। ये तो संजना की आवाज है। संजना तो हॉस्पिटल में है ना, उसकी आवाज यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे बचा लो, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, मुझे बचा। संजना, 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 मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो। संजना, मुझे बचा लो। सिद्धार्थ, मुझे बचा लो। आवाज यहाँ से आ रही है। संजना, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। संजना, 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 बचा लो, संजना। संजना की बॉडी हॉस्पिटल में भी है और यहाँ भी। इसका मतलब संजना की आत्मा इस टीवी में कैद है, इसलिए वो कोमा में है। हम इसे कैसे निकालेंगे सिद्धार्थ? हाँ, वही तो सोच रहा हूँ। रिया, रिया, ये टीवी और ये डिवाइस तुम्हें कहाँ मिले थे? साइंटिस्ट की लैब से। साइंटिस्ट की लैब? यहाँ पे था वो टीवी। कुछ तो यहाँ जरूर होगा जिससे हम इस डिवाइस के बारे में पता लगा सके। ढूंढो। मुझे यहाँ ही प्रोजेक्टर मिला। यह एक्सपेरिमेंट मेरा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। मैंने एक ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया है जिससे मैं मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकता हूं, क्योंकि
क्योंकि मुझे मेरी मरी हुई पत्नी को जिंदा करना है। हाँ, मेरी पत्नी को मुझे जिंदा करना है, और ये काम मैं करके रहूंगा। एंड आई विल डू इट। आज 57वां दिन है और आखिरकार मैंने ये डिवाइस तैयार कर लिया है। अब मैं अपनी मरी हुई पत्नी से बात करूंगा और उसे वापस लाऊंगा अपने पास। धुआं कैसे निकला? विक्रम, मैं दूसरी दुनिया में कैद हो चुकी हूँ। अंजलि, अंजलि, विक्रम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विक्रम मेरी मदद करो। अंजलि तुम चिंता मत करो, अंजलि तुम चिंता मत करो, अंजलि मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, अंजलि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पा रहा हूँ। अंजलि चली गई। बाहर निकालो विक्रम, मुझे बाहर निकालो। विक्रम जानती हो अंजलि, आज 81 दिन पूरे हो गए हैं और अब मेरी समझ में आया है कि उस दिन ये डिवाइस क्यों नहीं काम कर रहा था। जानती हो अंजलि, जब कोई औरत अपने मानसिक और शारीरिक रूप से जीने की इच्छा छोड़ देती है और अपनी मौत को खुद मांगती है, उस दिन उस औरत के शरीर में तुम आसानी से प्रवेश कर पाओगे। मैं कोई ऐसी लड़की जरूर ढूंढ निकालूंगा जो लड़की के शरीर में तुम आसानी से प्रवेश कर सकोगी। तुम चिंता मत करना। मैं कोई ना कोई ढूंढ निकालूंगा। अब बात समझ में आई। संजना आन्या की मौत को लेके ऑलरेडी ट्रॉमा में थी, इसीलिए उसे आन्या का भूत दिखाया जाता था ताकि वो टूट जाए, ताकि संजना को मारकर वो अपनी बीवी को वापस पा सके। पर हम संजना को बचाने के लिए क्या करेंगे? संजना को बचाने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है, हमें इसके अंदर जाना होगा। एक बार फिर से सोच लो सिद्धार्थ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं रिया, मैं संजना को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं संजना से बहुत प्यार करता हूं।
संजना 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 हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें अभी क्या अभी यहाँ से निकलना होगा। चलो अरे उनका टेंशन मत, तो चलो यहाँ से चलो। छोड़कर इस दुनिया में कदम रखा है। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपनाऊंगा, दोबारा जिंदा होऊंगा और तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करूंगा। तुम नहीं बच पाओगे। जैसे ही संजना का शरीर मर जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी, हम दोनों फिर से जिंदा हो जाएंगे। संजना संजना तुम लोग भागो यहाँ से, मैं देखता हूँ। मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, तो भागो। Oh!
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ, तुमने अपनी सजना और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। मालविका आओ बेटा। आ गया तुम्हारा घर, ले आओ। अरे सुनीता भाभी चलिए, कहाँ रह गए और कितनी शादियां करवाओगे? सुनीता भाभी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। लाखों में एक बहू ढूंढ कर जो दी है मुझे। अजीब से रोने की आवाज कैसी? भाभी जी एक काम कीजिए, गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, मैं देख कर आता हूँ कौन रो रहा है। मैं आई। अच्छा चलो चलो, गृह प्रवेश में देर हो जाएगी, चलो आप। जल्दी करो, फिर दुल्हन का गृह प्रवेश कराओ ना जल्दी। बस आई भाभी, वो थाल तैयार नहीं थी ना। मैं घर के चारों तरफ देख कर आ रहा हूँ, मगर मुझे कोई भी बच्चा रोते हुए नहीं दिखाई दिया। पर फिर भी ये रोने की आवाज कैसे? सुनीता भाभी जाने दो। अब आलते में पांव रखकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर।
एक साल से मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के बाद इतनी चेंज हो जाओगी, इतनी ट्रेडिशनल हो जाओगी। मैं घूम गई, हाथों में चूड़ियां, पैरों में हल्दी, हम बैठ। क्या हुआ जय? वहां कुछ भी नहीं है। चलो उठो, तुम आ जाओ, आ जाओ, तुम बस सिर्फ थक गए हो, आ जाओ, लेट जाओ। या? कुछ भी नहीं है जय, कम। अरे मालविका, इतनी रात गए तुम ऊपर क्या कर रही? जाओ नीचे जाकर सो जाओ। मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मालविका नहीं, चुटकी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैंने किया, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई नहीं पहचानता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काफी, मुझे छोड़ दो चुटकी। तुमने मुझे पहचान लिया सुनीता काली?
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। ठीक है। मुझे कोई नहीं पहचानता। क्यों मुझे कोई नहीं पहचानता? सुनो जी, सुनीता भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही। सुबह से ढूंढ रही हूँ, छत पर भी देख आई हूँ। तो भाई फोन करके पूछ लो कहाँ चली गई है। सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। देखो जय, सुनीता भाभी को तो तुम जानती हो, हड़बड़ा कर कहीं चली गई होंगी और बताना भूल गई होंगी। और हो सकता है कि रास्ते में कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ फोन का सिग्नल ना हो, इसलिए तुम्हारा फोन लग नहीं रहा। तुम बेकार में परेशान हो। पर ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग। कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो मेरे बचपन के हैं, मेरी माँ ने मुझे दिए थे। भूल गई क्या? ऐसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? अरे तुम सास बहू अपनी बातों का पिटारा फिर खोल लेना। जय अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर आ चुका है। तुम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है ना? नहीं तो जल्दी से कर लो। शादी कितने जल्दी से बुलाया यार। शादी के बाद सॉरी बोलूंगा, इतना सब कुछ जल्दी में हुआ कि बताने का टाइम नहीं मिला। चलो भाभी से मिलाता हूँ। मालविका, मालविका देखो तुमसे कौन मिलना है। हाय, ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। नमस्ते। हाय हाय। ये है तुम्हारी प्यारी सी भाभी और हमारी प्यारी धर्मपत्नी। और एक बात बताऊं, मालविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए सबको मालविका के हाथ का खाना खा के जाना होगा। आइसक्रीम मेरे लिए? हाँ मालविका, मालविका क्या कर रही हो? मालविका क्या मजाक है? इतना नहीं खींचना मालविका।
मालविका, वो दरअसल मालविका को आइसक्रीम का बहुत शौक है। वो जब भी आइसक्रीम देखती है ना तो बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगती है। बड़ी मासूम है मालविका। मालविका आइसक्रीम बाद में खा लेना, पहले सबसे मिल। मालविका सुनो ना, जय, कोई बात नहीं भाई, हम बाद में आते हैं, ये भाभी जी के लिए। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। ओके, चल बाय बाय बाय। तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। जी माँ। मालविका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब क्या चल रहा था? देखो मालविका, मैंने बाहर गेस्ट के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से तुम बिहेव कर रही थी, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है बेटा? मालविका, मालविका बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो जवाब दो मालविका। मालविका नहीं, पहचाना नहीं मुझे? बंद करो, बंद करो अपना ये नाटक, तुम मुझे डरा नहीं सकती। कैसे नहीं पहचाना मुझे? मालविका नहीं, चुटकी नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर मालविका को किसी ने पुरानी बातों के बारे में बता दिया होगा, तभी वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उसे सच का पता चल गया तो, हे भगवान, कौन है? कौन रो रहा है वहां? किसके रोने की आवाज आ रही? वाह।
मालविका कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही? अभी तो यहीं थी काकी, शायद अपने कमरे में होगी। मालविका, मालविका बताओ कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं जानती हूं तुम मालविका नहीं हो। तुम्हारे अंदर जरूर कोई बुरी आत्मा का साया है। बताओ कौन है तुम? मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूं, बताओ। ये तो बहू के कमरे से आवाज आ रही है। मालविका, 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 चुटकी नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। मालविका, 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 क्या हुआ मालविका? मालविका, मुझे जाने दे। मालविका, मालविका, क्या हुआ मालविका? जेब, क्या हुआ? चुटकी, चुटकी, वो हमें अलग करना चाहती है। कहाँ है चुटकी?
कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। नहीं जीना रिलैक्स रिलैक्स मालविका। बाबूजी, छुटकी के साथ क्या हुआ था? बोलिए बाबूजी, छुटकी के साथ क्या हुआ था? बाबूजी, बाबूजी आपको बोलना होगा, प्लीज बाबूजी बताइए छुटकी के साथ हुआ क्या था? तुझे छुटकी आज भी याद? जी बाबूजी, मुझे छुटकी याद है और मुझे ये भी याद है कि बचपन में आपने मेरी और छुटकी की शादी करवाई थी। हाँ, जब तू 9 साल का था और छुटकी 8 साल की थी। शादी में छुटकी के माता पिता ने हमें अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी और हमने भी उनसे वादा किया था कि छुटकी जब 18 साल की हो जाएगी तब गौना करा के हम उसे अपने घर ले आएंगे। जी बाबूजी, मुझे सब अच्छी तरह से याद है, लेकिन कुछ समय बाद आपने आके मुझसे कहा था कि छुटकी के माँ बाप ने गौना करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें हमसे भी ज्यादा कोई अमीर खानदान का लड़का मिल गया है। यही कहा था ना बाबूजी आपने? याद है ना आपको बाबूजी? बाबूजी आप मुझसे कुछ छुपा रहे? प्लीज बाबूजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बाबूजी, प्लीज बोलिए बाबूजी। आपको पता है ना इतनी सारी मौतें हो रही हैं इस घर में और मालविका की जान खतरे में है बाबूजी, प्लीज बताइए, प्लीज बोलिए बाबूजी, प्लीज। हाँ बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे मुझे माफ कर दे बेटा। झूठ कहा था बाबूजी? पर क्यों बाबूजी, क्यों झूठ कहा था आपने? दरअसल बेटा, तेरी शादी के 1 साल बाद मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई और तभी तेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुनो जी, वो मैं कह रही थी कि अब हम शहर में रहने वाले हैं, अच्छे पैसे भी कमाएंगे, तो फिर ये छुटकी जैसी गरीब लड़की को अपनी बहू बनाकर क्यों रखें? एक मिनट जया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम वो छुटकी के माँ बाप से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? भाभी जी, वो तो सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वैसे भी उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए मुझे कुछ खास नहीं दिया। क्या है, बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ चले गए? फिर किसका गौना और कैसा गौना? और फिर हम रातों रात किसी को खबर किए बगैर शहर आ गए। फिर क्या हुआ बाबूजी? और भी कुछ बताना बाकी है? सुनीता ने हमें बताया हमारे शहर आने के 1 साल बाद छुटकी और उसके माता पिता को गांव वालों ने बहुत ताने मारे, बड़ी बेइज्जती की उन लोगों की। अब छुटकी को बहू बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि उसके पिता के पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर क्या हुआ बाबूजी? फिर एक दिन उसके माता पिता ने खुद को और छुटकी को जलाकर मार डाला बेटा।
आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा बाबूजी। अब तक मुझे लगता था कि मैंने बाल विवाह करके बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी बाबूजी कि छुटकी के परिवार वालों ने मुझे इस अपराध से बचाया और एक जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया बाबूजी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके लालच ने मुझसे ही अपराध करवाया है बाबूजी, और एक हंसते खेलते परिवार की जान ले ली। मुझे खुद पे शर्म आ रही है बाबूजी। मुझे अपनी गलती का एहसास। अब एहसास करके क्या फायदा बाबूजी? क्या फायदा अब एहसास करके? बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है बाबूजी। लेकिन अब एक बात तय है बाबूजी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं कल सुबह ही मालविका को लेकर यहां से जा रहा हूं हमेशा के लिए बाबूजी। आपके साथ नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि आपके एक झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया बाबूजी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कौन है वहां? तो जय की शादी में छुटकी के माता पिता ने हमें दी थी, पर ये रंग यहां कैसे? मुझे माफ कर दो। देखो मैं अपनी गलती मानता हूं। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे चुटकी, माफ कर दो। आ, 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 आ,
तो बाबूजी की आवाज। मालविका कहां गई? बाबूजी मालविका मालविका कहां हो तुम? मालविका मालविका कहां तुम? जय, मैं यहां हूं। छुटकी प्लीज प्लीज बता दो मालविका कहां है। छुटकी प्लीज हमें माफ कर दो। छुटकी मैंने और मालविका ने कुछ नहीं किया। छुटकी प्लीज प्लीज बता दो मालविका कहां है प्लीज। जय मैं यहाँ हूँ। चलो ना छुपन छुपाई खेलते हैं बचपन की तरह। अगर तुम्हें मालविका चाहिए तो इसे पूरा करो और फिर मुझे ढूंढो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बोलो बोलो जय। 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। अब पकड़ो मुझे। छुटकी मालविका 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 छुटकी प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज छुटकी प्लीज मुझे बता दो मालविका कहाँ है। आई प्रॉमिस मैं मालविका को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर लेकर चला जाऊंगा। देखो छुटकी मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हारे परिवार वालों ने मुझसे नाता तोड़ा है। मुझसे झूठ बोला गया था छुटकी। मुझे आज ही सच्चाई के बारे में पता चली। काश मैं वो सब कुछ बदल सकता। तुम कुछ नहीं बदल सकते जय,
मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मेरी बचपन में ही शादी हुई और मौत भी। ये खेल तुमने शुरू किया था जय, और तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी जय। छुटकी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मर चुकी और मेरी शादी हो चुकी है। मेरी बीवी है मालविका। तुम्हें मालविका चाहिए ना, वो रही। तुम मर चुके हो जय, और अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।